सीसीए की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। यहाँ कुछ थोड़े बहुत देखो मुद्दे हैं, मुद्दे तो आज तक किसी के पूरे नहीं हुए, पर बाकी जितना भी बढ़िया अच्छा शासन चल रहा, प्रशासन भी बढ़िया है। तो आदमी अगर अब कोई 1,000-2,000 रुपये भी लेके आ रहा, वो भी अपने बच्चों में दे रहा ला के, ये सबसे अच्छा तो ये है कि ये चीज़ ख़त्म हुआ, लूट खसोट खत्म हुई। सरकार का काम बढ़िया, बहुत बढ़िया काम है सरकार का। और हम तो अभी योगी जी ने कहा कि जो बटेगा वो कटेगा, इस बात पे ही हमारा बहुत ध्यान है। तो क्या माहौल देख रहे हैं आप, क्या समझ में आ रहा? माहौल तो इस टाइम तो सरकार खराब हो चुकी है भाई। आपको क्या फ़ायदा हुआ सरकार से? हमें कोई फायदा नहीं मारता, वैसे खाता भी नहीं खोला। पेंशन वगैरह मिलती है? अरे हाँ, पेंशन मिल रही है, सरकारी मकान। अरे योगी की सरकार तो गई, बस हमें तो ये पता। अजी बीजेपी के फैन हैं, मुद्दे भी यही है कि हमारे यहाँ झगड़े होते थे हिंदू मुस्लिम के परमानेंट, दूसरे तीसरे दिन के कांड रहते थे, बच्चे परेशान थे हमारे, झगड़े खत्म हो गए, हम सुकून की जिंदगी जी रहे, कमारे खारे मजे ले रहे अपने भाई। तो कह रहे सरकार में तो मौज आ रही, मजे आ रहे। नहीं, सरकार में मौज कहाँ है, क्या रही? ठेकेदार को ठेका दे दिया, ठेकेदार कुछ करते नहीं। नौकरियाँ वगैरह मिली बच्चों? यहाँ किसी की नौकरी नहीं है जी, ये इसका ये गांव बिल्कुल पिछड़े मानो, इसमें कोई ऐसा नौकर नहीं है। आप जैसे काम कर रहे हैं भाई, फेरी वालों के लिए कोई योजना इस तरह की चीज हो? देखो अभी तक कोई तो बीमा हो जैसे रोड पे चले आप सरकार? अभी कुछ के हैं कुछ के नहीं है, जो बेचारे गरीब लोग हैं, मैं तो परेशान ही है। सीसे में आपका स्वागत है, हम उत्तर प्रदेश के मीरापुर विधानसभा में है। मैं दर्शकों को बता दूं कि यहाँ से जो विधायक थे पहले चंदन सिंह चौहान वो RLD से थे, लोकसभा के चुनाव हुए, उनको चुनाव लड़ाया गया, RLD ने चुनाव लड़ाया और उनको लोकसभा सांसद बना के भेजा यहाँ से, जिसकी वजह से यहाँ ये विधानसभा सीट जो है वो खाली हो गई थी। अब जो है उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीट पर चुनाव होने हैं, उपचुनाव होने हैं, इसी चीज़ को लेकर हम चुनाव के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ये मीरापुर विधानसभा का कासमपुरा गांव है, जहां पर हम बंजारा समाज के बीच है, और जानने की कोशिश करेंगे कि इस उपचुनाव में लोगों की क्या राय है, लोगों का क्या मानना है। जी नमस्कार जी भाई साहब। नमस्कार, क्या नाम जी आपका? प्रमोद जी। प्रमोद भाई, चुनाव उपचुनाव होने वाले हैं आपके यहाँ, गाँव में क्या देख रहे, किस तरह की सुख सुविधाएँ है रही है पहले? ठीक है जी, बीजेपी की मार दो, बीजेपी का हुआ है, बीजेपी की तरफ से जो भी लड़ेगा उसे वोट मिलेगी। क्या अच्छा लगा आपको बीजेपी? बीजेपी में ठीक है, सारे बढ़िया काम हो रहे हैं जी। किस तरह के काम थोड़े से बताओ? बस जो भी है, सड़के भी है, राशन भी मिल रहा है, दो बार राशन भी मिला पीछे, ये है सब सुविधा मिल रही, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बहुत से विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि भाई काम अच्छे नहीं चल रहा, बेरोजगारी है, महंगाई है, ऐसी भी चीज़। भाई ये तो देखो दुनिया है, कोई कुछ कहे कोई कुछ कहे, इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते ना, बस ये कोई पार्टी है, कोई किसी की कहे कोई किसी की कहे, ये है, हमें तो जो अच्छी लगेगी हम तो उसे। तो आपको फायदा दिखे सर? फायदा बीजेपी से हमें तो। आपको अगर मैं बात करूँ आपको सरकार से, बताओ आप कोई फ़ायदा मिला होगा अभी तक? नहीं, फ़ायदा ठीक है, वो अपने सब सुविधा मिल रही, बच्चों की वजह से भाई राशन भी मिले, हर काम मिल रहा है, बस गुंडागर्दी ये जो है सब खत्म है, किसी टाइम चले जाओ किसी टाइम आ जाओ, अन्य मारे अड्डे पे भी जाना महाभारत हो जाता, ये था। क्या नाम भाई? मेरा नाम गुरदीप सिंह बंजारा। गुरदीप भाई, क्या लग रहा है चुनाव होंगे आपके यहाँ, क्या देख रहे, किसको टिकट मिल सके या क्या माहौल बनेगा आपके यहाँ? देखो जी, टिकट का तो ये होया, अगर किसी को लोकल क्षेत्र से ही हो जा तो बहुत अच्छा है। और दूसरी बात है, देखो भाजपा सरकार अब तक बहुत अच्छा काम कर रही है भाई, योगी जी को भी तुम नू लगा लो भाई, 8-9 साल तो हो ही गए शायद, 8 साल तो हो गया, 8 साल में भी योगी जी का बहुत अच्छा काम है। और यहाँ कुछ थोड़े बहुत देखो मुद्दे हैं, मुद्दे तो आज तक किसी के पूरे नहीं हुए, पर बाकी जितना भी बढ़िया अच्छा शासन चल रहा, प्रशासन भी बढ़िया है, ये नहीं है कि किसी की सुनवाई नहीं है, गरीब हो अमीर हो सबकी सुनवाई है इस उसमें शासन में। और हम तो यही कहना चाहें कि भाई अगर बीजेपी का ही कोई कैंडिडेट यहाँ आ हमारी मीरापुर उस पर विधानसभा पे, तो वो सबसे अच्छा है, और हम सब पूरा गांव हमारा मिलकर बीजेपी की सपोर्ट में रहता है। क्या अच्छा लगा बीजेपी में, थोड़ा सा बताओ, गांव में कुछ काम हुए आपके, कुछ काम हुए? हाँ नहीं, काम हुए बहुत, देखो सबको शौचालय मिल रहे,
भाई उम्र पेंशन भी मिल रही, विधवा पेंशन भी मिल रही। ये तो पहले भी मिल रही थी, पेंशन, शौचालय, मकान, ये तो सब मिल रहे थे, पहली सरकारों में मिल रहे थे, अब भी मिल रहे। नया क्या आपको लगा अभी 10 साल में बीजेपी को मिला? नया देखो ये है, सबसे अच्छा तो नया ये है जी, गुंडा राज खत्म हुआ। आदमी अगर अब से कहीं से जाए, और मैं ही लगा लो, अगर मैं कहीं गया और माँ से मैं अपने 10-20 रुपये कमा के आया और वो मेरे किसी ने रास्ते में खोस लिए, तो मैं तो मेरे बच्चों का नहीं पेट पालने का। तो आदमी अगर अब कोई 1,000-2,000 रुपये भी लेके आ रहा, वो भी अपने बच्चों में दे रहा ला के, ये सबसे अच्छा तो ये है कि ये चीज़ ख़त्म हुआ, लूट खसोट ख़त्म हुई। आप कह रहे सुरक्षा पे काम हुआ है? हाँ जी, सुरक्षा सबसे अच्छी हैगी, ठीक है, मुझे हमारी सुरक्षा रहेगी तभी हम अच्छे रहेंगे। जी भाई साहब, क्या नाम? भाई साहब मेरा नाम अमित सिंह है। जी अमित भाई, क्या लग रहा है उपचुनाव है, क्या माहौल बनेगा उपचुनाव में? भाई माहौल तो बहुत बढ़िया है, अगर हमारे क्षेत्र का ही नेता को चुना जा, अब क्षेत्र में सबसे बढ़िया हमारे यहाँ अमित राठी जी की छवि है। अगर सरकार एक उन्हें चांस दे, एक मौका दे, तो वे मेरे हिसाब से सुबह 9-10 बजे तक जीत की घोषणा हो जाएगी उनकी। उन्होंने इस क्षेत्र में अपना इतना बढ़िया दबदबा बना रखा, बहुत बेहतरीन छवि बना रखी, गांव में बच्चा, बुजुर्ग, बड़े सब अमित राठी जी के नाम से बहुत बढ़िया सहयोग है उनका। तो ये किसी पार्टी से है या लोकल? नहीं, पार्टी से तो हाँ है, बीजेपी से है। अपने फिलहाल किसान मोर्चे के प्रदेश मंत्री जी भी हैं, ठीक है, बढ़िया हिसाब है अमित राठी जी का। और सरकार काम कैसा लगा? मतलब सरकार का काम बढ़िया, बहुत बढ़िया काम है सरकार का। और हम तो अभी योगी जी ने कहा कि जो बटेगा वो कटेगा, इस बात पे भी हमारा बहुत ध्यान है। अभी बांग्लादेश में कितना बड़ा अत्याचार हो रहा है हिंदुओं पर, तो हमारी जो हिंदुओं की रक्षा कर सके तो बीजेपी कर सके, होनी और किसी पार्टी के पास कोई चांस नहीं है। तो यहाँ नहीं हो रही देश में, अपने देश में नहीं हो रही? ना जी, कैसे हो जाएगा, रक्षा खूब है, सरकार ऐसी बैठी दिन दहाड़े फोड़ देगी हाथों को, फिर बांग्लादेश की चिंता क्यों कर रहे? चिंता भी योगी जी ने कहा ना कि जो बटेगा वो कटेगा, तो उन्होंने एक संदेश दिया, क्योंकि वहाँ बटे हुए हैं और हिंदुस्तान में बट रहे, हिंदुस्तान में भी बहुत बट चुके, जो बट रहा वो कट रहा। यहाँ भी लगे आपको खतरा है? नहीं, खतरा कुछ नहीं, योगी जी डंडा लेके बैठे तैयार, एक मिनट से पहले उधेड़ दें खाली जरा से भी अपने कान ठाओ, तुरंत डंडा तैयार बैठा योगी जी का, सबको लंबे कर देंगे। अच्छा अमित भाई करते क्या है वैसे? भाई मारो तो काम ही हुई है कपड़े का ये जी। हाँ, अच्छा, तो कई मुद्दे हैं जैसे सरकार में, भाई बेरोजगारी की भी बात कर रहे हैं लोग, बड़ी दर है, महंगाई भी कई बड़ा असर है, तो ये चीज़ें भी आपको इफेक्ट करती है? नहीं, हम बता रहे ना, महंगाई कुछ नहीं है, महंगाई भाई कुछ नहीं है, महंगाई यूँ नहीं है कि आज आप किसी गरीब घर में चल जाओ, बड़े बड़े फ़ोन 15-20 हज़ार से कम किसी के पास फ़ोन नहीं है, अगर महंगाई तो फ़ोन कहाँ से आए? मंदे ज़माने में तो लोग बाग साइकिल पर चला रहे थे, अब मोटरसाइकिल हो रही है, एक घर में अगर 4 आदमी है तो 4 ही मोटरसाइकिल है, और उसमें तेल भी गिरा है, अगर महंगा है तो मेरी मोटरसाइकिल कहाँ से आ रही? भी तो पैसों की आ रही, जिनके रोजगार है वे अपने नहीं, बिना बेरोजगार के भी, हम जिनके पास रोजगार नहीं भाई, हम अपने, मैं बता रहा ना, हम तो अपने गाँव की बात करें, हमारे गाँव में भी आस पास गुहान में भी देख रहे हैं हम, जो बेचारे मेहनत मजदूर कर रहे हैं, 400 रुपये दिहाड़ी है, वो भी 1,00,000 रुपये की स्प्लेंडर ले घूम रहे, और भाई उन्हें तेल भी गिरवाना पड़ेगा 100 रुपये कम से कम। अब ये लगा लो आप, जैसी महंगाई तो है नहीं, कमाई के साथ चल रहा सब कुछ, कमाई बढ़िया हो रही और सिस्टम भी बढ़िया चल रहा, कोई महंगाई नहीं है। आप कह रहे कपड़े का व्यापारी का काम है आपका, फेरी वगैरह का, पेट्रोल डीजल भी महंगा है, पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं लगातार बढ़ता जा रहा, तो इस पर फर्क पड़ा आपके व्यवसाय? नहीं भाई, कोई फर्क नहीं पड़ा हमारे पे, हमें तो नहीं पता, जब हम छोटे छोटे थे पहले घी सस्ता था, अब महंगा हो गया, भाई जब हम छोटे थे जब पेट्रोल सस्ता था, अब महंगा हो गया, ये तो चलता आ रहा, इससे कोई नहीं घटा बढ़ा सकता भाई। जो चीज़ पहले सस्ती थी, आज रोडों की ज़मीन है, हमारे यहाँ 25-30 हज़ार रुपये का थी, आज 5 लाख रुपये का हो रही, तो क्या घटा? कुछ भी नहीं घटा, ये तो सब कुछ चलता आ रहा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई महंगाई नहीं है, सब बढ़िया खा रहे, बढ़िया पी रहे और बढ़िया सो रहे। आपके, आप ये बताओ कि किसानों की बात करें, किसान तो आंदोलन कर रहा, आप भी धरना चल रहे हैं अभी? किसानों को तो भाई, किसानों की तो आदत बेकार हो रही, इस टाइम किसानों की आदत बिगड़ रही, इनका बिजली का बिल इनका माफ़ कर दिया, अच्छा जी बिल इनका माफ़ कर दिया, और जी क्रेडिट कार्ड इनका माफ़ कर दिया, इनका फेर नहीं पूरा पटता। जीताऊ जी नमस्कार। नमस्कार जी, क्या नाम जी आपका? रुस्तम सिंह। अच्छा जी, हम बस उपचुनाव होने वाले आपके यहाँ, चुनाव होने वाले, क्या माहौल देंगे? चुनाव, ये विधानसभा चुनाव होंगे अभी आपके यहाँ मीरापुर विधानसभा में, तो क्या माहौल देख रहे हैं आप, क्या समझ में आ रहा है? माहौल तो इस टाइम तो सरकार खराब हो चुकी है भाई,
भाई साहब तो तारीफ कर रहे हो। नहीं जी, क्या क्या तारीफ है, क्या काम करा है सरकार ने? महंगाई आप ही देखो भाई साहब, इसमें इस सरकार ने भाई साहब भी तारीफ करा है। बात तो बता, इस सरकार ने करा क्या है? खराब चल गई इसमें। रोजगार कुछ मिले बच्चों को गांव में? अरे हाँ, मैं नहीं रोजगार। तू वोट किसे देगा? वोट किसे देगा? हम तो इंदिरा गांधी को देंगे। इंदिरा गांधी तो है ही नहीं। इंदिरा गांधी चली गई। अरे कांग्रेस तो है। अच्छा आपको, आप ये बताओ, चलो बाकी तो होता रहेगा, आपको क्या फायदा हुआ सरकार से? हमें कोई फायदा नहीं, मारता वैसे खाता भी नहीं खोला। पेंशन वगैरह मिलती है? अरे हाँ पेंशन मिल रही है। सरकारी मकान? अरे योगी की सरकार तो गई बस, हमें तो ये पता है जी। नमस्कार जी। जी ये क्या करो, क्या काम कर रहे हो भाई? कुछ भी नहीं, ना पेंशन ना कुछ। तो नेता लोग करते नहीं कुछ, सरकार कुछ नहीं करती? कुछ नहीं करती नेता तो, यहाँ आते भी नहीं दोबारा भाई, दोबारा आते भी नहीं। हाँ जी, सरकार आते नहीं है। हाँ जी, तो गांव में कुछ काम हुआ, कुछ बना हुआ? मेरा लैटरिंग शौचालय कुछ नहीं है भाई साहब, तो कह रहे बहुत कुछ सब चीज। अब ये कहो तो कहो जी, हम तो नहीं कहते। कह रहे गरीब भी नहीं है, महंगाई नहीं है। हाँ जी, गरीब भी क्यों नहीं, गरीब भी और पीस दिए। मैंने कहा महंगाई नहीं है। महंगाई तो ही बढ़िया चल रहा, ठीक है, जिसका जैसा पसंद है वही कहेगा। नमस्कार जी भाई। नमस्कार जी। क्या नाम जी भाई अपना? अमित तिहा जी। अमित भाई, क्या लग रहा, क्या देख रहे, कैसा रहा काम सरकार का? चुनाव भी आने वाले, फिर विधानसभा चुनाव होंगे, तो क्या देख रहे, क्या बना? सरकार तो बढ़िया है जी, सरकार में कोई कमी नहीं है। हाँ जी, रोड भी बनने, सब काम हो रहे हैं। सिर्फ एक काम नहीं हो रहा हमारे यहाँ गाँव में, कोई भी आ जाए वो जोड़ नहीं सका होता हमारे गाँव को। जल निकासी? हाँ, जल यो नहीं, यो नहीं हो तो पूरा गांव का नाश कर रखा इसने खाली। बस एक बार यो तो हम इसकी वीडियो और बना लियो जोड़ेगी, यो जरूर होना चाह। कोई भी आ जाओ, पहली बात तो बीजेपी की, हमारे तो पूरा गांव बीजेपी का है, तो ये कही रहे पूरा गांव बीजेपी का है, वोट सब बीजेपी की है। किन मुद्दों पे वोट दो आप? चलो कह रहे पसंद है बीजेपी, लेकिन आपके लिए क्या मेन मुद्दे है जिनको समझ गए आप वोट दो? भाई जी पता क्या है, पहले से हमने तो कभी भी जीवन में, जब जितनी शुद्धि संभाली जब से, हमने तो बीजेपी को वोट दी, चाहे हारो जीतो। किस वजह से वोट दे रहे, मैं वही पता करना चाह रहा। वही तो कह रहे मैन भाई, तो भाई भारतीय जनता पार्टी नहीं, फैन बिल्कुल बिल्कुल फैन है। नहीं फैन तो होना एक अलग बात हो जाए भाई, वो तो नहीं। देखो काम तो सारे काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, काम तो सब हो रहे। ये तो कोई भी कुछ कह दे, काम सब हो रहे, कोई ऐसा काम नहीं है ना हो रहा। हो पहले ऐसा था जी, जब उसके अखिलेश की सरकार थी, अगर झगड़ा हो जाता ना, यहाँ रोड के पास मुस्लिम रहते हैं, जब झगड़ा हो जाता था तो थाने तक भी नहीं जाने देते थे। ऐसी सरकार थी पहले अखिलेश। और अब तो हम बेफिक्र होकर जाते हैं, हाँ सुनवाई भी करते हैं। नहीं हमको ऐसे बोलते थे, क्या रिपोर्ट लिखवाओगे, अपने घर बैठ जाओ, जाओ जाके। यहाँ पर झगड़ा हुआ हमारा कई बार हुआ झगड़ा, ऐसी बात नहीं है। पूरी हो गई थी यहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं, अब कुछ नहीं होता, ना वे लड़ते ना हम लड़ते, दोनों सरकार में सेट है, कोई दिक्कत नहीं है जी। भाई क्या नाम आपका? राहुल सिंह। राहुल भाई, हाँ जी, बात हो रही थी यही कि भाई, भाई कह रहे कि पूरा गांव ही बीजेपी का है। हाँ जी, क्या लगा, किन मुद्दों पे आप पसंद करो बीजेपी? अजी बीजेपी के फैन हैंगे, मुद्दे भी यही है कि हमारे यहाँ झगड़े होते थे हिंदू मुस्लिम के परमानेंट, दूसरे तीसरे दिन के कांड रहते थे, बच्चे परेशान थे हमारे, झगड़े खत्म हो गए, हम सकून की जिंदगी जी रहे, कमारे खारे मजे ले रहे अपने। मेन मुद्दा तो यो है बस, और कुछ नहीं। लेकिन बहुत सारे आरोप लगे सरकार पे भाई, महंगाई कर दी, बेरोजगारी कर दी। महंगाई जब हम कमाने के इन तो महंगाई तो दिखेगी खुद ही, और जब हम 2 रुपए कम, उस टाइम मजदूरी 60 रुपए थी, किस टाइम, अब से 10-20 साल पहले पैसे मजदूर के कम थे, तो महंगाई भी ऐसी नहीं थी। अब मजदूर की मजदूरी 400 रुपए, तो महंगाई क्या ज्यादा होगी। अब कितनी है अब मजदूरी? 400-500 रुपये चल रही मजदूर की, तो क्या नहीं आता 500 रुपये में, एक दिन का खाना तो आ ही रहा, बच भी जा तो रोज लग जावे मजदूरी। लगती है, जो करेगा तो उसके लिए तो लगेगी, अगर कोई नहीं करेगा ठाली पड़ेगा तो उसके मारे हो जाना। नहीं लगती भाई, महीने में 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन तो नहीं मिलती। देखो ये तो नहीं, 30 दिन भी मिलती है, ऐसा कुछ नहीं है, करने वाले के लिए 30 दिन भी है, ना करो तो पूरा महीना भी नहीं है। अब जैसे अगर देखा जावे कि भाई सरकार है, लोग कह रहे कि भाई इसमें पहलवान भी परेशान, किसान भी परेशान और जवान भी परेशान। किसान तो जानबूझ के परेशान है, किसानों का कोई मुद्दा नहीं इसमें। किसानों को तो इनका बिल माफ कर दो, कृषि कार्ड माफ कर दो, इन्हें थोड़ी बहुत खेती और दे दो, जब भी ये परेशान रहेंगे ये कभी।
अंधाता है उसे दे दिया तो क्या होगा नहीं अगर और भी दे देना सरकार जो बंजड़ बंजड़ पड़ी जो वो भी इन्हें दे दें ये जब भी परेशान रहेंगे गन्ना 300 रुपए से 450 रुपए कर दिया और 375 है 375 अब भी इनकी बढ़ने की मांग है उनकी मांग पूरी होगी पेट्रोल रेट बढ़ेंगे तो गरीब भी गरीब कोई तो परेशानी और किसे किसान का गन्ना बढ़ रहा भाई पेट्रोल भी बढ़ रहा तेल भी बढ़ रहा हल्दी नून मिर्च तेल सब चीजों पे बढ़ रहा तो उनका ही बढ़ रहा ऐसी बढ़ रही नहीं मजदूरी अगर आप 500 रुपए में आपको लगा परिवार का गुजारा हो जाए एक बात तो बताओ भाई साहब जो ये किसान है ये तो फसल पे रेट मांगे गरीब किस चीज पे रेट मांगेगा भाई आज गन्ना 450 होगा तो चीनी क्या रेट मिलेगी चीनी तो और महंगी हो जाएगी 40 है किसान तो चीनी खरीदने का नहीं होता अपने गन्ना 40 है जब अब गन्ना तीन चीनी तो सब खरीद रहे देखो उसमें किसान कहाँ खरीद रहेगा किसान तो अपने गन्ना बेचकर उसमें कटवा लेगा उसके लिए तो जैसे घर की मुर्गी दाल बराबर उसे क्या गुड़ की चिंता उसे नहीं नाच की उसे नहीं नाच का महंगा रेट मांगेगा तो फिर पब्लिक को महंगा खरीदना पड़ेगा सरकार ही कह रही थी भाई गन्ने का रेट बढ़ाओगे उनके फंसे बैठे हुए और क्या करे धरना धरका बैठ जा 450 गन्ना कर देंगे भाई मजबूरी उनकी उन्हें क्या करना उन्हें ठल्ली है तो सरकार कभी स्कूल बैठ जा धरना धरना कभी दिल्ली बैठ जा कभी हरियाणा बैठ जा धरना बैठ जाए ठल्ली उनके तो ऊपर से भाई ऊपर से आ रहा बहुत पैसा आ रहा 10-10 बीघे वाले 100-100 बीघे वाले बन गए जो किसान है जिनकी दादा परदादाओं की जमीन 10 बीघे थी आज 100-100 बीघे 200-200 बीघे काशकार हो गए में और उनकी विदेशों फैक्ट्री होगी कहाँ से आ रहा भाई पैसा उनपे ऐसा भी खेती कर रहे हैं किसान तो कह रहे हैं भाई हमारी जोत जो है वह छोटी होती है जो एक किसानों का नेता है उसके पास इतनी धनवाया कहाँ से आ रही खेती तो खेत में जाकर देखता ही नहीं वो तो धरने धरने में रहे 24 घंटे आज धरना यहाँ धर दिया कल को धरना वहाँ धर दिया वो धरने में खेती किस दिन कर रहा हो उस पर हमने सुना जो उन पर थी भाई नाम तो मैं लेता नहीं दादा ले आई 10-11 बीघे जमीन बताई और आज 100-150 बीघे जमीन होगी वह कैसे होगी भाई तो हमारे गाँव में 50-50 बीघे वाली जमीन तक काशकार है उनमें तो आते 50-60 भी हुई अमित भाई एक चीज़ और बताओ अभी ये जो पहलवान का मुद्दा चला था अभी जो ओलंपिक्स है विनेश फोगाट जी आए और उन्हें केवल 100 ग्राम वजन ज्यादा होने की वजह से ओलंपिक नहीं मिला बुरा लगा आपको नहीं उसे तो वो तो जो पहले मेडल मिले तो गंगा मसल आरती उसे क्या जरूरत है मेडल की उसे फिर मिल जाता मेडल वो फिर गंगा मसल आती उसे देने का फायदा गंगा में सड़ा इसलिए रहे थे कि भाई उनके साथ कुछ गलत हो रहा था वे अपनी मांग उसके साथ कोई गलत नहीं हो रहा जो राजनीति मुद्दा है उसके पीछे कांग्रेस वाले खुंटा ढोक रखा जाओ भाई लगाओ तू खड़ी हो पीछे पीछे उसका जो हमारे जीत का है उनका तो स्वागत नहीं होया उसका स्वागत कर रहे हारने वाले का ऐसे तो जीतने वाले का मनोबल टूट सका और नहीं स्वागत तो हो रहा सब नहीं जीतने वाले का तो नहीं उसको ज्यादा करा विनेश फोगाट का मेडल तो पहले भी लाई थी ना मेडल पहले लाई थी चल अभी स्वागत करा था बहुत बढ़िया बात है स्वागत करा मोदी जी तो करेंगे भाई उनके लिए तो पंच उंगली बराबर है आप तो सीधा मतलब आप सरकार में है तो आप सरकार नहीं, हम सरकार में नहीं है हम तो भाई देख अच्छा है घर की बात अच्छा हम तो अच्छा के साथ विदेश में मेडल हार गए हम तो मैडम जो नियम है मेडल जो रखी सड़क अच्छा वही पुरानी नाली काट रहे जब पुरानी नाली में पानी नहीं जा रहा तो क्यों मरम्मत करवा रहे उसकी हमने कहा 14 इंची की बनाओ इसे है भाई 14 इंची की बनाओ वो उसी की मरम्मत कर रहे ठेकेदारों की कमी नहीं है क्या क्या कर सड़क का निर्माण करो ये पाड़ रखी उन्होंने अच्छा उसी को मरम्मत करवा रहे ये ठेकेदार ठेका तो पूरा लेंगे या कम ले लेंगे पूरा लेंगे पूरा उसी नाली कर रहे हम 14 इंची कर रहे वे उसी की मनमान नहीं कर रहे काम सही नहीं हो रहा नहीं कोई सही नहीं हो रहा भाई तो कह रहे सरकार में तो मौज आ रही मजे आ रहे नहीं सरकार में मौज कहाँ है क्या रही ठेकेदार ठेका दे दिया ठेकेदार कुछ करते नहीं सरकार देखना रही यहाँ सरकार का ही काम है वो नहीं कोटा मिल रहा सरकार ने दे रखा किसान 90% ले रहे मजदूर 2% नहीं मिल रहा नहीं मजदूरों को मिल रहा नहीं मजदूरों को मिल रहा ज्यादातर मजदूरों को 90% किसान ले रहे सारा फायदा सुन 90% बिल्डिंग माफ कर दी किसानों की क्यों गरीब है किसान फायदा वो अलग चीज है राशन की गरीब है क्या ये किसान गरीब है क्या जितने किसान है सब गरीबों का खून चूस रहे मजदूरी करने ले जा दे रहे पैसे उन्हें किसान चूस रहे सरकार चूस रही गिरा एक किसान कल को दे देंगे किसान थोड़ा ही सरकार चला रहा सरकार तो किसान मजदूरी पे ले गए सुबह ले गए सरकारी मजदूर थोड़े कर रहे किसान कर रहे दे दें कल को बैंक में से लिखड़े तो सरकार उनका गन्ने का भुगतान दे दे वे भी पैसे दे दे कौन सा भुगतान रहा 66 साल गन्ने का भुगतान बंद रहा
अब कौन सा कितना भुगतान 220 करोड़ रुपए शामली पे है, मुजफ्फरनगर में शामली पे है, कई सारे मिल पे उनका गन्ना। अरे इनका बिजली फ्री होगी? नहीं, करोड़ की बिजली फ्री होगी, मीटर लग रहे हैं की तो बिजली फ्री। हमारे में तो 1.5 लाख रुपए आ रहे हैं, यहाँ से गरीब आदमियों पे 1.5 लाख रुपए। हाँ जी, बिजली का बिल इतना आ रहा है, परेशान। तार काट जा, मीटर ले जा पाड़ के, अब किसानों की फ्री कर देंगे। सरकार बढ़िया है फिर। अरे सरकार तो ठीक है, सरकार थोड़ी करेगी, कैसे ठीक होगी भाई? सर बिजली हमारी जान बचा रखी, वो बांग्लादेश हिंदुस्तान को बांग्लादेश नहीं बनने देने कितना हमें विश्वास है। बस सारी बात खत्म करो, महंगा जितनी मर्जी हो जा भाई, लगा के 100 रुपए वाला 1000 रुपए किलो हो जा, कोई दिक्कत नहीं। हम किस बात का डर है? डर हमें किसी बात का नहीं, हमें बस बांग्लादेश ना बन जाओ हिंदुस्तान, इस बात का डर था। लेकिन मोदी ने, योगी जी ने काट दिया कि बटोगे तो कटोगे, हम बटने गए नहीं। नहीं गांव के। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम जी भाई साहब? मेरा नाम सुधीर है जी। सुधीर भाई, अच्छा गांव के यहीं रहने वाले? यहीं रहने वाले। अच्छा, बात कर रहे थे चुनाव होने वाले, क्या देख रहे, किन मुद्दों पे वोट करोगे इस बार? भाई मुद्दा क्या, सरकार तो ठीक है, सरकार में कोई दिक्कत नहीं है, पर लेकिन जो सरकार के अधिकारी कर्मचारी है ना, गांव के प्रधान आदमी है, वे काम नहीं करके देते। यहाँ की जो जनता परेशान, ज़्यादा बहुत ज़्यादा परेशान है। देखो ये बेचारे गरीब आदमी जो है, ये बिल से परेशान, उनको तो बिजली वाला तंग कराना आगे भाई, करप्शन काट देंगे भाई। जब इनके पास जरा पैसा नहीं, तो ये बिल कहाँ का जमा कराएंगे? किसान आगा, किसानों जाकर देखो तुम, बड़े बड़े घेर पड़े, ट्रैक्टर खड़े गई गई, इनका बेचारे को एक मोटरसाइकिल तक नहीं मिलने की गरीब आदमी का, और मिल भी गई तो तेरा तेरा पट पड़ता। अब तुम देखो गरीब आदमी करा क्या बेचारा। अच्छा, जैसे महंगाई बढ़ रही, मजदूरी भी बढ़ रही इस तरीके से। अच्छा मजदूर, चलो मारी बताइए, नहीं सुनो, मजदूर तो है 400 रुपये, भाई बात सही, 400 रुपये की मजदूरी है, लेकिन किसान करवा के भाई तो नहीं बेचता, कहते भाई आज नहीं गए, 3-4 दिन बाद, 10 दिन बाद मिलेंगे, 15 दिन बाद मिलेंगे, बताओ गरीब आदमी चूल्हे, मतलब चूल्हे पर निकल चलता है, चलता नहीं चलता। अब बताओ वो 8 रुपये कहाँ से लगा खाने का? तर समस्या हो जाए, समस्या हो जाए, वही कमा कर अपने बताओ अच्छा करना पड़े उसी में से। बस सब तो बिजनेसमैन ही है। अच्छा गांव में कुछ नौकरियां वगैरह मिली बच्चों? नहीं, यहाँ किसी की नौकरी नहीं है जी, ये इस गांव, ये गांव बिल्कुल पिछड़े मानो, इसमें कोई ऐसा नौकर नहीं है। सरकारी अस्पताल, स्कूल, इस तरह की सुविधाएं यहाँ कोई सुविधा नहीं है। सरकारी स्कूल है जी, लेकिन जाकर देखो पानी भरे पड़े स्कूलों में, तो यहाँ के बंजारे इतने दुखी बेचारे, बहुत परेशान है जी। ये बताओ जैसे अभी चुनाव हो गए, अब क्या सोच रहे, किन मुद्दों पर वोट देंगे, गांव का कौन सा ऐसा काम होना चाहिए? देखो वोट तो खैर जरूर देंगे, जनता वोट जरूर देगी, वोट तो भाई कई गए सर, लेकिन वोट देंगे आदमी जो सही आदमी होगा जी। सीधी बात हो, चाहे कर्मचारी वो, चाहे नेता का नाम भाजपा का हो, चाहे बीजेपी का हो, या किसी का भी नेता हो, जो काम करने वाला आदमी होगा उसे वोट देंगे, जो गांव के काम करेगा, जो गांव का काम करेगा जी। नमस्कार जी भाई जी। नमस्कार। क्या नाम जी अपना? भाई मेरा नाम रोहतास कुमार है। रोहतास भाई क्या करते हैं भाई? यहाँ तो अपना तो काम सिर्फ फेरी का ही है, कपड़ा फेरी का ही है जी। हाँ। अच्छा, तो फेरी वालों के लिए कैसे रहे, सरकार के काम कैसे है, कुछ सुख सुविधाएं है अब तक? भाई देखो, सबसे पहले तो मैं सरकार का समर्थक हूँ बीजेपी से, हमारा पूरा गांव ही बीजेपी के साथ है, लेकिन मैं बीजेपी से यही अनुरोध करता हूँ कि जो ये कैंडिडेट तारते हैं, तो थोड़ा कैंडिडेट को भी समझना चाहिए कि भी जब पूरा गांव आपके साथ है, तो कैंडिडेट को भी हमारे गांव के बारे में सोचना चाहिए। ऐसे हमारे गांव की कई समस्याएं हैं कि जैसे कि भाई तालाब है, आते हैं भाई, कहते हैं भाई हम कराएंगे कराएंगे, लेकिन कह के चले जाते हैं और जीत भी हासिल कर चले जाते हैं, लेकिन मुड़ के कोई नहीं देखता फिर दोबारा से। तो तालाब का काम नहीं हुआ? तालाब का काम पता नहीं कितने आए, कितने चले गए, किसी ने पूरा नहीं किया, ये रहा तालाब फुल हुआ पड़ा है, कीचड़ से भरा पड़ा है। तो गांव में पानी बरसात होती है तो पूरा गांव में पानी भर जाता है, आगे सड़क खराब है, कई साल हो गए टूटी फूटी पड़ी है। यहाँ तो जो भी आता है भाई मैं करूँगा, हमारा पूरा गाँव उसे सपोर्ट करता है, उसे जिता भी देता है, लेकिन जीतने के बाद में वो पीठ दिखाता है, सामने नहीं आता, जबकि हम जनता उसे जिता रहे हैं, तो उसे भी तो हमारा कुछ सोचना चाहिए गांव के बारे में कि भाई इन्होंने मुझे जिताया है तो मैं भी इनके लिए कुछ थोड़ा करूं। अच्छा कोई सुविधा है आप जैसे काम कर रहे हैं भाई, फेरी वालों के लिए कोई योजना इस तरह की चीज़ हो? देखो अभी तक कोई तो बीमा हो जैसे रोड पर चले आप सरकार, अभी कुछ के हैं कुछ के नहीं है, जो बेचारे गरीब लोग हैं मैं तो परेशान ही है, जो समझदार पढ़े लिखे लोग हैं मैं तो अपने पढ़े लिखे अपने कैसे कर लेते हैं, लेकिन अनपढ़ आदमी क्या करेगा, अनपढ़ आदमी तो कुछ भी नहीं, जो पूछता है किसी के पास जाता है भाई टाइम नहीं है भाई कल आना भाई ये है, तो हार तक का बेचारा गरीब तो बैठ जाता है, पढ़ा लिखा जो समझदार होता है वो अपने करा लेता है किसी एक दूसरे के थ्रू, जैसे कि भाई लोग कह रहे हैं कि भाई महंगाई का असर है आप पे भी है, महंगाई का असर पड़ा है घर पे? भाई देखो महंगाई का तो असर थोड़ा थोड़ा पड़ी रहा, कोई जिसके लिए भाई करने वाले घर में 4-5 उसके लिए तो कोई महंगाई का वो नहीं दिखता, भाई उसे तो 4 कर रहे हैं, जिसका अकेला करने वाला है उसे तो भाई दिखता कि महंगाई है,
पहले से तो महंगा ही है ही भाई, जा रहे तो थोड़ी बढ़ गई आमदनी की, आमदनी तो वही है भाई, 400-500 रुपये है लेकिन खर्चे ज़्यादा हैं, तो अकेला आदमी कहाँ तक पूरा पड़ेगा? कोई पेंशन नहीं है, कोई भाई किसी का सहारा नहीं है, या भाई कोई सरकार को यूँ नहीं भाई हमें फायदा हो रहा है भाई, जैसे आजकल लोन मिल रहा है गरीब लोगों को भाई मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो बंजारा समाज जो है वो एक तरह से लगा आपको सरकार काम कर पा रही है उसके लिए? भाई देखो मैं तो यही कहूँगा सरकार को जो भी यहाँ कैंडिडेट उतारे, सबसे पहले तो ऐसा कैंडिडेट उतारना चाहिए जो जनता की सुनता है, जनता की भावना को जानता है, जनता के साथ रहना चाहता है, वो कैंडिडेट उतारे ताकि भाई जनता से अगर खुश रहेंगे तभी जनता कैंडिडेट भी उसका साथ देगा और जनता भी उसका साथ देगी। अब ये नहीं कि हमने उसे जिता दिया और वो जीत के चला गया फिर हम उसके पास गए भाई सर हमें ये काम कराना है, भाई सर नहीं है कल आएंगे परसों आएंगे फिर ऐसे करते हैं ये, तो कैंडिडेट ऐसा उतारे सरकार कि जो जनता की सुने, बस यही अनुरोध है मेरा। हम लोग मीरापुर विधानसभा में थे और मीरापुर विधानसभा का ये कासमपुरा गाँव है जहाँ पर हमने बंजारा समाज के बीच बातचीत की चुनाव को लेकर, उनके मुद्दों को लेकर। उनका कहना है कि कहीं ना कहीं सरकार के साथ वो लोग जुड़े हुए हैं और सरकार जो है वो काम कर रही है लोगों के हक में, लेकिन कुछ लोग जो है महंगाई बेरोजगारी और गांव की सुविधाओं के लिए सरकार से नाराज़ है। तो जुड़े रहे आप CCA से, उत्तर प्रदेश से आपको खबरें आती रहेगी। धन्यवाद। अरे कहाँ अटक रहा हूँ उसमें, इतने दिनों में अटक रहा हूँ, नहीं यहाँ से कट कर लो तो वहाँ से ले लो।